नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू। मैं हूं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं 64 बीपीएससी में रैंक 65 हासिल करने वाली सुचित्रा कुमारी जी। बहुत बहुत बधाई सुचित्रा जी, आपका सिलेक्शन डिप्टी एसपी के पद पर हुआ है। थैंक यू सो मच। कैसी फीलिंग है फर्स्ट अटेम्प्ट में? यू हैव क्वालिफाइड विद सच एन अमेजिंग रैंक और गर्ल्स की कैटेगरी में जो डिप्टी एसपी में आपकी फर्स्ट रैंक आई है, तो कैसी फीलिंग है? मैम, मैं काफी ओवरवेल्म्ड हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी मिल रही है। लगभग 4 सालों की मेहनत जो है वो सफल हो गई है एक तरह से देखा जाए तो, और माता पिता भी बहुत खुश है, तो मैं काफी खुशी मिल रही हूँ। और हमें भी बहुत खुशी है क्योंकि आप यहाँ पे हैं, आप बहुत सारे करोड़ों लोगों को आप इंस्पायर कर रही हैं अपनी इस जर्नी से। थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दें, क्या ग्रेजुएशन आपका रहा है? जी, मैं एक सरिया ब्लॉक है झारखंड में, वहां से बिलोंग करती हूँ, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। मैंने अपनी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से की है। चूंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल था तो हम लोग कंप्लीट करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था उसका, तो मैंने पास किया और मैंने 10th तक वहाँ पे पढ़ाई की। 11th 12th मैंने आदर्श कॉलेज राजधरवार से किया एंड फाइनली मैंने बीटेक जो है वो गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया, जो कि उड़ीसा। सुचित्रा जी, जिस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, आप एक इंजीनियर हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, क्या आपने हमेशा से सोच रखा था सिविल सर्विसेज का सपना आप देखती थी? मैम, मैंने बचपन में एक थॉट तो था ही कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा करना है कि हमारे यहाँ की गर्ल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो और कुछ अच्छा करे। इनफैक्ट पेरेंट्स भी जो है वो सोचे कि नहीं, बच्चों के लिए अच्छा करना चाहिए, जैसे महिलाओं की शिक्षा पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस पे लोग ध्यान दें। तो मैंने, लेकिन ये अच्छे से जो है वो थॉट जो है ये वाला ब्लूम हुआ वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही हुआ। मैंने देखा कि लोग जो है अभी भी महिलाओं की शिक्षा पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है अभी भी एक टैबू है कि नहीं, लड़कियाँ बाहर पढ़ने नहीं जा सकती। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना ही एक ऐसा माध्यम होगा जिससे कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि नहीं, अगर बच्चों को बाहर भेजते हैं स्पेशली बच्चियों को, तो वो कुछ अच्छा करेंगी जिससे कि लोग आगे और भी इंस्पिरेशन लोगों को मिले। बहुत ही सुंदर विचार है आपके और जिस मोटिवेशन से आप इस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाह रही हैं, हमें भी बहुत खुशी है। सुचित्रा जी, अब आप पुलिस सर्विसेज में ज्वाइन करने वाली हैं, आपने अपने लिए क्या सपने देख रखे हैं इस सर्विसेज में? मैं ये चाहती हूँ कि जो वीकर सेक्शन है या फिर जो महिलाएं हैं उनके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूँ और एक तरह से उन्हें न्याय दिला सकूँ। और जो पुलिस के खिलाफ, जो पुलिस के अगेंस्ट जो धारणाएं हैं लोगों की, जो ऐसे विचार है जो कि मतलब पुलिस जो है वो काफी मतलब रिगरस हॉट है लोगों का, तो उसको मैं दूर कर सकती, ये मेरा कहीं ना कहीं प्लान है। सुचित्रा जी, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, क्या मोटिवेशन था इस सर्विसेज में आने का उसके बारे में बताया, अब हम थोड़ी सी एग्जामिनेशन की तरफ चलते हैं, तैयारी की तरफ चलते हैं। आपने अपने लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी बीपीएससी को लेकर? मैंने सबसे पहले तो मैंने जो है प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो एनालाइज किया था, जिसको मैंने बार बार 10-15 साल के पेपर को एनालाइज करके ये देखा था कि किस तरह का पैटर्न मुझे इससे सबसे पहले पता चला कि जो 3-4 मेन एरियाज हैं जैसे कि साइंस एंड टेक है, हिस्ट्री है या बिहार स्पेसिफिक पोर्शन है, उससे ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 70-80 क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। तो मैंने इसको जो है पहले कम्प्लीट करा, चूंकि मेरी तैयारी जो है वो 1-1.5 महीने के ही पीटी की तैयारी थी, तो उसको मैंने प्रॉपरली एनालाइज किया था पेपर को एंड फाइनली मैंने देखा 3-4 जो एरियाज हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो मैंने उसको जो है अच्छी तरीके से किया और कट ऑफ क्लियर हो गया। एंड फाइनली जब मेंस का टाइम आता है तो 3 पेपर होते हैं, एक GS1 था, GS2 था एंड और ऑप्शनल का पेपर था। तो इसमें भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रखती है वो ये है कि आप एनालाइज करते हो पेपर्स को, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्शन है या फिर स्टैट का जो सेक्शन है, स्टैटिस्टिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 72 मार्क्स होते हैं, वो 72 मार्क्स आप इजीली फेच कर सकते हो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है बार बार बनाते हो, या फिर हिस्ट्री में ऐसे 15-20 टॉपिक्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इन एरियाज को जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स थे मैंने उसको इजीली करना शुरू किया एंड फाइनली इस तरह से मैं आगे मेरा मेंस क्वालिफाई किया।
मैंने मेंस क्वालिफाई किया एंड इंटरव्यू जो होता है उसके लिए भी मैंने जो है मॉक इंटरव्यूज दिए थे। इनफैक्ट मैं सारे स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगी कि एक दो मॉक इंटरव्यू जो है वो देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सुचित्रा जी, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है वो आपने बताया। कई बार ऐसी स्टूडेंट्स की धारणा होती है कि वो एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें फिर वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को टॉपिक वाइज एनालाइज करेंगे, क्या यहाँ पे वो चूक खा जाते हैं? जी मैम, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, तो आप पहले पेपर को एनालाइज करते हुए तो जो पर्टिकुलर स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो उसका आइडिया लग जाता है कि कहाँ से जो है क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट का अलग स्पेसिफिक तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का। हम बिहार में देखते हैं कि लगभग 30 क्वेश्चंस बिहार स्पेसिफिक होते हैं, तो हम उस एरिया को ज्यादातर अच्छे तरीके से कवर करते हैं, तो इसीलिए जो है क्वेश्चंस का विश्लेषण करना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है किसी भी एग्जाम की तैयारी को शुरू करने का, फर्स्ट स्टेज यही होता है मैम। सुचित्रा जी, आपने ऑलरेडी हम लोग को एग्जामिनेशन का ओवरव्यू दे दिया है, अब हम चलते हैं प्रिलिम्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? मैम, मेंस में जो है वो अगर मैं बिहार की बात करती हूँ, बीपीएससी की बात करती हूँ, तो तीन पेपर है जैसा कि मैंने बताया, GS1, GS2 और ऑप्शनल। GS1 में जो है वो हिस्ट्री का पेपर होता है और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और स्टैटिस्टिक्स पूछे जाते हैं। तो स्टैट जो है वो 72 मार्क्स का है, उसको जो है वो अच्छे तरीके से बना के जाना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर स्टैट सही हो जाए तो एक बहुत बड़ा मतलब पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है GS1 के लिए। एंड GS2 की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है एंड पॉलिटी एज वेल एज साइंस एंड टेक है। तो ये चारों जो है हम प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके जो मेन एरियाज है उस पर हम काम करते हैं। एंड ऑप्शनल जो है वो सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल होता है, उसकी स्ट्रैटेजी सबकी डिफरेंट होती है, बट इसमें भी मैं इस बात पे ही ज्यादा एम्फेसिस डालूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके ही आप जो है ऑप्शनल की तैयारी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली। सुचित्रा जी, आप ऑल्दो हम लोग को बता रही हैं प्रिपरेशन की स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार करनी है, सिलेबस को कहते हैं बहुत जरूरी है, सिलेबस को डिकोड करने का सबसे सही तरीका क्या है? मैम, जैसे कि अगर हम बिहार के बीपीएससी के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है वो काफी छोटे तरीके से उसको डिफाइन मतलब बताया गया है, तो उसमें भी हम लोग जो है अगर हम लोग पेपर एनालाइज करते हैं सबसे पहले और उसके बाद सिलेबस, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आप जो है ये सिलेबस जो है वो बार बार रिपीट कर ले, अपने मन में याद कर लें कि सिलेबस इतना बड़ा है, इन चीजों को पढ़ना है, एंड उसके बाद पेपर एनालाइज करके ये देख ले कि ये एरियाज जो है मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं और इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर ये एनालाइज भी आप कर लेते हैं तो आपको सिलेबस जो है वो छोटा लगने लगता है या फिर आप समझ जाते हो कि इन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है और आप जो है धीरे 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 वो चीजें कवर करते जाते हो। न्यूज़पेपर रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है? मैम, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर एग्जाम जैसे आप प्रीलिम्स की बात करें, अगर 1.5-2 महीने प्रीलिम्स बचे हुए हैं तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, आधे घंटे पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यूजुअली थ्रू आउट द ईयर की बात करी जाए तो पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। हाँ, लेकिन बहुत सारा जो आजकल यूट्यूब चैनल्स है जैसे कि StudyIQ में भी बहुत सारे एनालिसिस वगैरह आए हुए होते हैं, जैसे कि कोई भी इशू चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इशूज है या फिर कोई भी और इश्यूज, नेशनल इश्यूज चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर न्यूज आप पढ़ लेते हो तो वो भी, या फिर कोई यूट्यूब चैनल्स पे देख लेते हो तो वो भी इम्पोर्टेंस रखता है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको जो है न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। एक स्टूडेंट को जो बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अपने टारगेट्स किस प्रकार सेट करने हैं, मंथली हो गए चाहे वीकली टारगेट्स? मैम, मेरे हिसाब से जो टारगेट्स हैं वो छोटे छोटे टारगेट्स सेट करना चाहिए ताकि वो अचीव करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन होता है और आप खुद को एक शाबाशी देते हो कि ठीक है ये टारगेट्स जो है अचीव हो गए। तो वीकली टारगेट भी कर सकते हैं आप सेट और डेली टारगेट भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आज मुझे 6-8 घंटे की पढ़ाई करनी है तो मैं वो चीजें लिख के रखूंगी, वो चीजें मैं सुबह में लिख लूंगी कि मैं इतने सारे चीजों को मुझे आज कवर करना है, तो जब आप रात में सोने से पहले अगर वो चीजें आपकी कवर हो जाती है तो आपको एक बहुत ही अच्छा मतलब सेटिस्फेक्शन होता है और अगले दिन के लिए भी एक मोटिवेशन मिलता है। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की तो मैं ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के ही बिहाफ पे पूछ रही, फाउंडेशन डेवलप करना, कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है, कई बार एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं, ये सोचते कि एनसीईआरटी
अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेते हैं, ये धारणा आपके हिसाब से कितनी सही और कितनी गलत है? मैम मुझे ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ना जो है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ा था, और स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो है वो 10th के बाद ही फील्ड पूरा चेंज हो जाता है और हमें कुछ याद नहीं होता। डायरेक्ट इंजीनियरिंग के बाद जो है वो बेसिक बुक पढ़े बिना एडवांस बुक्स पढ़ना मुझे नहीं लगता कहीं भी सही है। और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आज के टाइम में भी पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से भी पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं या फिर एनसीईआरटी का ही कहीं ना कहीं वो उसका पार्ट होता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बीपीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स की जो सबसे यूनिक बात होती है उसमें 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शंस रहते हैं। ये कई बार ये थोड़ा सा बैक फ्रंट भी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इन 5 ऑप्शंस को किस प्रकार डील करना है? मैम 5 ऑप्शंस जो है ये सबसे बड़ा बात है बीपीएससी का, ये सबसे एक्चुअली बच्चों को इसी में सबसे बड़ा सेटबैक मिलता है, तो इसको जो है वो हम सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं कि बहुत ज्यादा बार रिवीजन किया जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। इनफैक्ट अगर यूपीएससी की बात की जाए, यूपीएससी से कंपेयर किया जाए तो सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं, तो जो 3-4 मेन बुक्स है उसको बार बार पढ़ा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपको जो है वो सही से याद नहीं है चीजें तो लगने लगता है कि ई ऑप्शन में भी सही, तो इसीलिए जो है बार बार रिपीटेड स्टडी करना ही मेरे हिसाब से, रिपीटेड आप चीजें जो है बार बार अगर पढ़ते हो तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और यही चीज इम्पोर्टेंस रखती हूँ। आपकी भी जर्नी काफी लंबी रही है, किस प्रकार आपने अपने मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग रखा, परसिस्टेंट रखा थ्रू आउट? मैम मैं इतने छोटे गांव से हूँ, इतने छोटे जगह से, जब मैं अपने पापा को मैं रोल मॉडल मानती हूँ, और मैंने देखा कि जब मेरे पापा इतना हौसला रख सकते हैं कि वो मुझे बाहर भेज सकते हैं, और उनके अंदर इतना परसेवरेंस है कि मुझे वो बार बार फेल होने के बाद भी, इनफैक्ट मेरा यूपीएससी जब क्लियर नहीं हुआ तो भी मेरे पापा बोल सकते हैं कोई बात नहीं अगले बार हो जाएगा, तो मैंने वही सोचा कि जब उनके अंदर इतना परसेवरेंस है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें तो समाज का के ताने भी सुनने पड़ते हैं। मैं तो आराम से बैठ के दिल्ली में तैयारी कर रही थी, तो मैंने फिर इसी से सबसे ज्यादा मोटिवेशन इसी बात से ली कि जब मेरे पिताजी इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना परसेवरेंस रख रहे हैं, तो मुझे भी ये रिजल्ट देना ही है। इतना बेहतरीन आंसर और इतना बेहतरीन मोटिवेशन, मुझे लगता है आपके पिताजी की जो परसिवरेंस थी उसी का रिजल्ट है आज आप 65th रैंक के साथ बीपीएससी में हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं इंटरव्यू स्टेज की, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मैम मेरा इंटरव्यू जो है इम्तियाज करीमी सर के बोर्ड में हुआ था, और मेरा इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू में 80 मार्क्स आए थे मैम। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मुझे करंट अफेयर्स में जो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मुझे पूछा गया था कि ईसी का रोल क्या है टेक्नोलॉजी में, और मुझे ट्रिपल तलाक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ओवरऑल देखा जाए तो मेरा इंटरव्यू 20 मिनट्स का इंटरव्यू था और अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। मैं मतलब खुश होकर बाहर निकली थी, मुझे पता था कि ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। आप एक इंजीनियर है और आपने जिस प्रकार से क्वेश्चंस बताए, एक इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, ये कई बार ऐसे इंजीनियर्स को हमने देखा है वो अपने ग्रेजुएशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं ग्रेजुएशन को, और इंटरव्यू में वो उनका सेटबैक हो जाता है। आप इस केस में सब उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? जैसे ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं अगर इंटरव्यू पूरे होलसम अगर बात की जाए पूरे इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो है वो एक तो पर्सनालिटी की बात होती है जिसमें कि आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, एंड आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है एज वेल एज आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, ये चीज और करंट अफेयर, ये 4 चीजों पे जो है मेन फोकस होता है बीपीएससी के इंटरव्यू। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को छोड़ के जाना तो कहीं भी मतलब फिजिबल नहीं है, आपको मतलब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट करना ही होगा ये बात, तो इसीलिए जो भी लोग हैं उन्हें ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। सुचित्रा जी, कई बार ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बीपीएससी के इंटरव्यू में या फिर अन्य इंटरव्यू में, तो क्या आपको भी सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए थे? मैम मेरे इंटरव्यू में कोई भी ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो इसीलिए मुझे वैसा मॉक इंटरव्यू वगैरह में तो सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए थे, बट रियल इंटरव्यू में मुझे कोई भी सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हमने ये बात पहले भी मेंशन की कि काफी लंबी जर्नी रही है, काफी परसिस्टेंट रहना पड़ा है इस पूरी जर्नी में,
क्या क्रिटिकल पॉइंट्स थे इस अटेम्प्ट में जो आपको पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल बनाया? मैम, मैंने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया था, क्योंकि मेरा यूपीएससी में दो अटेम्प्ट मेरे हो गए थे और मेरा पीटी भी क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने पीटी पे बहुत फोकस करा था। मैंने प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए बहुत ध्यान दिया था, बहुत बार जो बुक्स होती है उसको मैंने बार बार रिपीट करा था, अच्छे तरीके से मेमोराइज किया था चीजों को। और जब पीटी क्लियर हुआ तो उसके बाद फाइनली मैंने मेंस के लिए भी बहुत सही तरीके से नोट्स वगैरह बनाए थे, आंसर राइटिंग को बार बार प्रैक्टिस किया था, बार बार मैंने आंसर्स लिखे थे। इनफैक्ट मैंने मॉक इंटरव्यू में भी, मतलब इंटरव्यू में भी उतनी मेहनत की थी, मैंने दो चार मॉक्स भी दिए थे ताकि वो भी मतलब सही रहे, मार्क्स उसमें भी ठीक ठाक आ जाए। किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? मैम, मैंने स्टडी आईक्यू से जो है करंट अफेयर, जो प्रीलिम्स के सारे करंट अफेयर, मैंने एक्चुअली करंट स्टडी आईक्यू को ही फॉलो करके करंट अफेयर का प्रिपरेशन किया था। जैसे कि जो सारे 200 क्वेश्चंस जो आते थे, इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चंस मंथली जो आता था स्टडी आईक्यू का, मैंने उसको पूरी तरीके से उसको पढ़ा था, उसका मैं प्रिंट आउट करा लेती थी और उसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा था, तो वो काफी हेल्पफुल रहा स्टडी आईक्यू मेरी तैयारी, क्योंकि करंट अफेयर से लगभग 25-30 क्वेश्चन होते हैं और मेरे ऑलमोस्ट सही थे सर। All thanks to StudyIQ. हमें बहुत खुशी है कि हम आपके सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सकें। कुछ चलते चलते फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को आप देना चाहेंगी? जी मैम, सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि हार जीत लगा रहता है जिंदगी, लेकिन इंसान को कभी हारना नहीं चाहिए। आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार मोटिवेट रहिए, परसेवरेंस बनाए रखिए, अपना डेली गोल अचीव करते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप फेल भी होते हो तो याद रखिएगा कभी ना कभी एक दिन आप पास भी होंगे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ सुचित्रा जी इस इंटरव्यू को एंड कर रही हैं कि कितना भी हो जाए आप हौसला रखिए, मंजिल जरूर मिलेगी। धन्यवाद और आपको पूरी स्टडी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू मैम।